आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के त्यौहार पर देश का राजनीतिक गलियारा एक अलग ही तरह के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। इस कड़ी में हम आपसे बात करेंगे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ में अपर्णा यादव को अपना भाई नजर आता है। अपर्णा, जो मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना बड़ा भाई मानती हैं। गौर हो कि अपर्णा और योगी दोनों उत्तराखंड के रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जब यूपी के मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे, उससे पहले से लेकर अब तक अपर्णा हमेशा उनकी तारीफ करती रही हैं। योगी जब मुख्यमंत्री पहली बार बने, तब अपर्णा अपने पति के साथ वीवीआईपी गेस्ट हाउस में उनसे मिलकर बधाई देने पहुंची थी। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस खास त्यौहार के मौके पर अपर्णा यादव ने योगी आदित्यनाथ को राखी बांधने की इच्छा जाहिर की है। सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ को राखी बांधने के लिए पहुंची भी है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव को अब तक कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इस मुलाकात में यूपी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर अपर्णा यादव को मिलने वाली जिम्मेदारी तक पर चर्चा हो गई है। अब देखना होगा इस बड़े चिंतन मंथन के दौर के बाद अपर्णा यादव को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी यूपी में मिलती है, रक्षाबंधन के त्यौहार पर कौन सा बड़ा पद उन्हें तोहफे के रूप में मिलता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।